यहाँ से भी कांग्रेस बनेगी। अरे तो यहाँ से आप बोल रहे हो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, तो फिर त्रिकोण होगा मुकाबला, तो मुकाबले में नहीं जीतेंगे, जीतेगा तो एक। वकील साहब, अरे हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या माहौल है इस बार गन्नौर का, ये तो बताओ। बीजेपी ने जो उम्मीदवार जारी की है, हाँ हाँ, कैसा उम्मीदवार है? उम्मीदवार तो जी क्या बताए इसके बारे में, टिकट तो देवेंद्र कादियानी की थी, अब तो टिकट ही नहीं मिला, अब तो कैंडिडेट ही आ गया बीजेपी का नया, तो नहीं उसके साथ कौन जाओगे? नहीं हम तो कादियान को ही वोट देंगे, निर्दलीय वहाँ निर्दलीय को ही देंगे। क्या भाई साहब, निर्दलीय? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो ऐसा ऐसा क्या है, लोग तो इन्होंने काम करे हैं, एम्बुलेंस छोड़ी है, ठीक है जी, बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, रिक्शा छोड़ रखी है, और क्या चाहिए हमने? शिक्षा बच्चों दे रहे ना, तो बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया? बीजेपी में 10 साल रहे, आप मोटे पीछे दोगे बीजेपी को, तो आपको आप ले लो टिकट, बीजेपी पैसा लेके टिकट थोड़े देती है, ऐसा कुछ नहीं जी, नीचे सब हर काम होता है नीचे नीचे। अरे तो अब तो हम देख रहे हैं जहाँ जाओ या तो जाति पाति धर्म, कहीं जात कहीं गैर जात कहीं ब्राह्मण, ये नहीं देख, ये बिजली पानी सड़क पर, अब कहाँ वो मुद्दा कहाँ है? लोग नहीं समझते इस बात को, सबसे पहला जो प्राइमरी है रोजगार है, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए ताकि हमारे देश को अच्छे लोग मिले, देश को अच्छे लोग चलाएं। अच्छा ये बताइए कि रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य में अच्छी सरकार अब तक हरियाणा में कौन सी रही? अब तक के हिसाब से मैं कांग्रेस को जो है 10 में से 7 नंबर दूंगा, और बीजेपी को 10 में से 4 नंबर, क्योंकि वो रोजगार के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं कांग्रेस से। हाँ जी, एक बाइट और एक बाइट उधर भी ले लो, ये देखिए। अरे कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही, हम लोग घूम रहे थे। अरे आप, अरे हम लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, आप बता दो, मैं उनसे ही पूछ लूंगा हम लोग। अरे नहीं नहीं, अरे हम तो ये पूछ रहे थे कि यहाँ 10 साल बीजेपी का शासन रहा, तो कैसा काम किया सरकार ने? आपका विधायक किस पार्टी का होना चाहिए? हमारा विधायक तो गलत था, हमारे विधायक ने तो कुछ नहीं करा, वो निर्मल चौधरी ने अच्छा सब कुछ खराब कर दिया। इस बार तो उसका टिकट काट दिया, अब तो बदल गया, अब तो नया देवेंद्र कौशिक आ गए। देवेंद्र कौशिक को कहाँ वोट, वो मिली टिकट है? नहीं, देवेंद्र को कहाँ मिला है? आज मिल गया वो, दूसरी लिस्ट आ गए उसको, मिल गया पंडित, उसको पंडित जी को। हाँ पंडित जी, वो भी बढ़िया आदमी नहीं? बढ़िया आदमी नहीं है? नहीं है। तो कौन है बढ़िया आदमी? बढ़िया कोई नहीं, सब अपना पेट पाले। अरे कुछ तो, वो किसी को तो वोट दोगी आप? ना किसको नहीं दे रहे हम तो, अब कल किसी को नहीं। अच्छा ये बताओ, ये 10 साल बीजेपी अच्छा रही कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार अच्छी थी? सरकार तो बीजेपी की अच्छी थी। अच्छा ठीक है, क्योंकि मामले में तो ये बीजेपी ठीक है, बीजेपी लिए कुछ करया है या नहीं करया है? मामला का राज में ठीक है, फौज के लिए भी किया, सब के लिए किया बीजेपी ने। वैसे जो यहाँ नीचे आदमी हुए बढ़िया नहीं, मोदी तो बढ़िया है। अच्छा मोदी बढ़िया है? हाँ, तो इस बार क्या नाम है? क्या किया? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? निर्मल चौधरी बने दी थी यहाँ से। हाँ। क्या किया? सब रोड टूटे पड़े, कुछ नहीं किया किसी के लिए। तब फिर कैसे कर रहे हो कि अच्छा है बीजेपी? बीजेपी निर्मल ने नहीं करा ना, ऊपर मोदी तो अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। मुसलमान का राज ने नहीं राम दे रहा, एक कांग्रेस आ गई तो मुसलमान का राज आ जाएगा। तो मुसलमान चाहिए आपको कि अस्पताल और रोड चाहिए? है हमने सब कुछ चाहिए, मुसलमान का हमने क्या करना है? हम तो ये बताओ, पिछली बार किसको वोट दी थी हमने? बीजेपी को। और इस बार किसको देंगे? अभी कुछ नहीं पता, हम सोच रहे थे देवेंद्र कादियान को देंगे, देवेंद्र को टिकट नहीं मिली, अब देखो किसको देंगे। नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे अब। जो अच्छा काम करेगी ना, जो सरकार करेगी, हम उसको अपना वोट देंगे, और नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा कौन कर रही है सरकार? वो तो क्या नाम है, बीजेपी कर रही है, वो तो अच्छा, तो मतलब लड़कियों के बारे में सबके बारे में तो यही कर रही है। अच्छा हाँ जी, तो इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बननी चाहिए? हरियाणा में सरकार तो क्या नाम है, इसी की आएगी, फूल वाले की आओगी। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है आपका, ये बताओ? मुख्यमंत्री तो यही है अपना। अरे मुख्यमंत्री का नाम जानती हो आप अपने हरियाणा का? नहीं, अरे तो मुख्यमंत्री का नाम नहीं जान रही हो फिर आप? जानते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कौन है बता दो आप? हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ठीक है सर हम।